Afternoon, dear children. Hearty welcome. Class 1, subject GK. Today we will revise lesson 3. The topic of the lesson, safety on roads. I have already explained this lesson, so today we will revise it only. We should be very careful on the roads. We should always follow traffic rules on the road. Dear student, as you also know that you should not run or play on the road. Fill in the blanks given below. Take help from the help box. You have to fill these blanks with the help of this help box. You are seeing this picture. This is the picture of traffic light. And these blanks also related to this picture. First one, we will read in the blank R-E-D, red. Red says stop. The red, it means red light says us stop. मतलब जो red color वाली light होती है वो हमें रुकने के लिए कहती है. Number two, Y-E-L-L-O-W. Yellow light says ready. Yellow light means to say ready. It says us to be ready to go. Yellow light का मतलब होता है कि हमें चलने के लिए तैयार हो जाना है. Number three, in the blank we will fill G R E E N, green. Green light says us go. Green light means to go. It indicates us to go. जाने के लिए कहती है. Now on every busy road there are special point called zebra crossing. Pedestrian. We can call it pedestrian also. जब भी हम किसी busy road पर जाते हैं, वाहनों से भरी हुई road पर चलते हैं, तो वहाँ पर zebra crossing बनी हुई होती है. We must make use of zebra crossing subways and to cross roads. और हमें जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए, बिकॉज दीज आर फॉर आवर सेफ्टी. जेब्रा क्रॉसिंग आर सेफ पॉइंट्स मार्क विद वाइट स्ट्रिप्स पैरेलल अक्रॉस द रोड इंडिकेटिंग वेयर पीपल शुड क्रॉस द रोड. जेब्रा क्रॉसिंग पर जो वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, वो हमें इंडिकेट करती हैं, बताती हैं कि लोगों को इसके द्वारा रोड क्रॉस करना चाहिए. एंड यू शुड नेवर लीन आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ एनी व्हीकल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन बस टैक्सी एंड ऑटो आल्सो. सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स एंड ऑन द रोड एंड वी शुड फॉलो द traffic light rules also. It places on the crossing busy crossing roads. मतलब जो road होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा traffic होता है और जहाँ पर crossing होती है, चौराहा होता है, वहाँ पर traffic lights is placed there. Traffic light को वहाँ लगाया जाता है. Now you can understand the importance of the traffic light and safety rules on the road. Now we will revise the lesson 4 also. The topic of the lesson, domestic animals. Animals that are kept at home and are beneficial to us, they are called domestic animals. Domestic animals वो होते हैं जिनको हम अपने घरों पर और अपने फार्म हाउस पर रखते हैं और दे आर वेरी यूजफुल और बेनिफिशियल फॉर अस. वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. दे गिव अस मैनी थिंग्स एज मिल्क, मीट, वूल, एग्स एंड सम डोमेस्टिक एनिमल्स पुल एंड कैरी लोड्स. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. हियर आर सम
डोमेस्टिक एनिमल्स, रीड व्हाट दे आर सेइंग एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स की पिक्चर यू आर सीइंग हियर, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और हम इनको रीड करेंगे और जानेंगे कि वो हमसे क्या कहते हैं, और एंड वी हैव टू राइट देयर नेम ऑल्सो। वी विल कम्प्लीट दीज सेंटेंसेज विद द नेम ऑफ द गिवन एनिमल्स। यू आर सीइंग दिस पिक्चर, हु इज दिस एनिमल, वी विल टेक द क्लू। हम क्लू लेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे। आई गिव यू मिल्क, आई एम अ काउ। हेल्प बॉक्स ऑल्सो गिवन हियर, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो ये गाय है जो हमें दूध देती है। सेकेंड वन, आई गिव यू बूल, मैं आपको ऊन देती हूँ। आई एम अ सीप, तो मैं एक भेड़ हूँ। तो वी विल राइट हियर द नेम ऑफ द एनिमल हु गिव अस वूल। नंबर थ्री, आई कीप रैट्स अवे, आई एम अ कैट। द कैट कीप रैट्स अवे फ्रॉम आवर हाउस, जो बिल्ली होती है वो हमारे घरों से चूहों को दूर भगा देती है, मार देती है। नंबर फोर, आई पुल ए कार्ट, मैं एक गाड़ी खींचता हूँ। आई एम अ कैमल, तो मैं एक कैमल हूँ, एक ऊँट हूँ जो एक आपकी गाड़ी को खींचता हूँ। नंबर फाइव, आई गार्ड योर होम, आई एम अ डॉग। दिस एनिमल यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ डॉग, इट गार्ड अवर होम, ये हमारे घर की रखवाली करता है। नंबर सिक्स, आई गिव यू एग, आई एम ए हैन, और ये दिस इज द पिक्चर ऑफ ए हैन, इट गिव अस एग्स। एंड सम अदर डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो देयर एज हॉर्स, रैबिट एंड बफेलो ऑल्सो, दे आर अवर डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल एंड यूजफुल ऑल्सो। तो नाउ दिस इज द रिविजन लेसन 3 and 4, यू शुड प्रिपेयर प्रॉपरली दीज लेसन फॉर द यूनिट टेस्ट। Thank you. Have a nice day.